गुरुवार को सुबह से ही तेज बारिश में लोग गर्मी कम होने के चलते सुकून की नींद सो रहे थे, लेकिन अचानक एक मकान पर बिजली गिरने से आसपास हड़कंप मच गया। आवाज इतनी भयंकर थी कि लोग घबरा गए। अनुमान लगाया गया कि कहीं आसपास ही बिजली गिरी है। उत्सुकतावश बाहर आकर देखा तो मोहल्ले के ही रहने वाले जुनैद पुत्र स्वर्गीय असलम के घर के लोग बदहवास से थे। इसके बाद घर पर आसपास के लोगों के आने जाने का तांता लगा रहा। हयात नगर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी सरायतरीन के अंतर्गत मोहल्ला फूलबाग में जुनैद असलम का मकान, जिसमें वो अपनी पत्नी, माता व एक बहन के साथ रहते हैं, गुरुवार को जब उनके मकान पर बिजली गिरी तो तेज आवाज से घबराकर घर के लोग उठ बैठे। उन्हें घर में तेज प्रकाशपुंज दिखाई दिया। घर के बिजली के बोर्ड के स्विच व अन्य उपकरण फूंक गए, स्विच उखड़कर दूर जा गिरे। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोहल्ले के ही जरीफ ने बताया कि उन्होंने जुनैद के मकान पर बिजली गिरते हुए देखा था। उन्होंने बताया कि वो अपने घर की छत पर किसी काम से पहुंचे थे, बारिश पड़ रही थी कि अचानक तेज कड़कड़ाहट के साथ बिजली जुनैद के मकान पर गिरी। उन्होंने बताया कि 11,000 के विद्युत तारों में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चमकती हुई चिंगारियां बहने लगी हों। एक अन्य पड़ोसी वाजिद ने बताया कि बिजली की तेज आवाज सुनते ही उसने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, कहीं वे डर न जाएं। उसके बाद बिजली गिरने की दिशा में पहुंचे तो पाया कि जुनैद के यहाँ बिजली गिरी है। वहीं जुनैद ने बताया कि उनका अभी कुछ माह पूर्व ही विवाह हुआ है। घर के ऊपरी भाग निर्माण नया नया कराया गया है। बिजली गिरने से दीवारें कमजोर हो गई हैं। भय सता रहा है कि कमजोर घर कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, ऊपरी हिस्से का निर्माण दोबारा कराना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जरीफ है। जरीफ भाई, आज बिजली गिरने का मामला आया, क्या आपने सुना और देखा? बिजली जब गिरी तो मैं अपने यहाँ पे बाहर बिंडू पे खड़ा था। हाँ। मैंने देखा बिजली गिरी है इनके जुनैद भाई की तरफ से। मुझे रोशनी महसूस हुई, बिजली गिरी, आवाज़ बहुत खतरनाक वाली हुई। हाँ। उसकी धमक से 4 फीट लगभग मैं अपना खुद पीछे सरक गया। अच्छा, मतलब? हाँ, धमक से उसकी, मैं खुद जो विंडो में खड़ा था 4 फीट पीछे को सरक गया। इतनी तेज धमक? इतनी तेज धमक हुई थी उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ यही बिजली गिर गई। और ये इनके जुनैद भाई के सामने, इनके जायद भाई का घर है, इनकी छत पे भी बिल्कुल ऐसा पीला पीला सा रोशनी हो गई थी, जैसे कि काफ़ी खतरनाक मंजर है। और ये बिजली के तार जो आ रहे हैं, 11,000 की लाइन है, इसके ऊपर भी चुरुर मुरर ऐसे हो रही थी जैसे कि लाइट आ रही है। अच्छा, तारों पर? ये पुलिस अंतिम ये मैंने देखा। आप अकेले खड़े थे? हाँ, मैं अकेले ही खड़ा था, बिल्कुल अपने वहाँ बिंडू में खड़ा था ऊपर। मैं देख रहा था बाहर को ही, मैं देख रहा था बारिश का मौसम की, देख रहा था उनका कैसी बारिश हुई, कितना पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। किसी की जान को नुकसान तो नहीं हुआ? कोई ना, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इनका जुनैद भाई का मकान के अंदर कुछ दरारें वरारे पड़ गई हैं, बिजली के बोर्ड वोर्ड में सूझबूझ तक के सब निकल गए उसकी धमक से, और लैंटर भी चटक गया।